दोस्तों, ये तो पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन जब पत्रकारों के ऊपर सच्चाई दिखाने के लिए कार्रवाई की जाती है तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का कहां पे स्थान है। ऐसे में बलिया में एक नकल कांड हुआ जिसको लेकर पत्रकारों ने डीएम को संज्ञान में उनको उसकी जानकारी दी, उस पर कार्रवाई करने के बजाय खुद पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। ऐसे में यहाँ पर पत्रकारों की यूनिटी आज आई और यहाँ पर डीएम को ज्ञापन सौंपी है। थोड़ा सा बात करते हैं कि किस तरीके से पूरी बातें हुई हैं, किस तरीके से अन्याय पत्रकारों के साथ लगातार होता रहा, सच दिखाने के लिए किस तरह से उनको सजा भुगतना पड़ रहा है। अगर ऐसे लगातार होता रहा तो उनको आगे क्या सच की कीमत किस तरह से चुकानी पड़ेगी। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। सर, क्या लगता है कि लगातार इस तरह से पत्रकारों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, चाहे प्रशासन की तरफ से देखा जाए या गुंडों माफियाओं की तरफ से देखा जाए, तो एक असुरक्षा की भावना पत्रकारों में तो आ जा रही है ना? आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। जहाँ एक बार एक बात आती है चौथा स्तंभ, हालांकि चौथा स्तंभ जो कहता है वो मानता है या नहीं, ये बड़े सोचनीय विषय है। वजह क्या है, सरकार भी हमको मानती है कि हम चौथे स्तंभ हैं। चौथा स्तंभ मतलब पत्रकारों का काम होता है आईने का काम करना जी। जो अच्छे पत्रकार हैं, जो आज भी लिखते पढ़ते, वो कहीं ना कहीं बलिया वाला वो ऐसा ही पत्रकार रहा होगा भाई अपना, कि जो इस चीज को प्रशासन के सामने सन्मुख करने के लिए वो सूचना दिया होगा और अपनी खबर को पुष्टि के लिए एक पक्ष जानने के लिए डीएम को फोन किया होगा जी। तो अब डीएम को उस पे जिसने पेपर लीक किया उस पे कार्रवाई करने के बजाय उसे ही जेल भेजना, ये बहुत ही अशोभनीय है। और कहीं ना कहीं आप कलम को बांध के चलाने का काम कर रहे हैं। तो जब भारत स्वतंत्र है और हम स्वतंत्र हैं और यहाँ पत्रकारिता स्वतंत्र और स्वच्छंद रूप से की जा सकती है, तो उस पत्रकार को जेल भेजने का औचित्य क्या है? इसमें तथ्य क्या है? तथ्यों पे बात करनी चाहिए और तथ्यों पे काम करना चाहिए। ये पत्रकार जब जेल जाएगा तो फिर सरकार अपनी कमियों को किससे जान पाएगी और उसमें सुधार कैसे करेगी? हालांकि सरकार ने अपना जो विज्ञापन जारी किया था उसमें साफ तौर पे कहा कि जो भी नकल रोकने के लिए प्रशासन की मदद करेगा, उनको सूचना देगा, तो उनको सुरक्षा दिया जाएगा, अपितु उनके ऊपर FIR किया गया। बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। पत्रकार का काम है आईने का काम। आईना क्या करता है? जब हम चेहरा लेके जाते हैं उसके सामने तो उसमें क्या कमी रह गई उसको सुधारने का काम करते हैं। हम मतलब पत्रकारों का दायित्व ही है कि वो कमियों को उजागर करें जिससे सरकारें संज्ञान लें और उसमें सुधार करें, जिससे आम जनमानस में हो रही दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो अगर उसने नकल विहीन परीक्षा के लिए एक कदम बढ़ाया, क्योंकि वो परीक्षार्थी तो था नहीं, पत्रकार है, और अपनी खबर की पुष्टि के लिए वो जिलाधिकारी को, DIS को या इससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं उन्हें ही फोन करेगा और अपने खबर की पुष्टि करेगा, क्या उस पे जेल जाना चाहिए? ये कितने शर्म की बात है। मैं अपील करूंगा माननीय मुख्यमंत्री से कि वो कहीं ना कहीं ईमानदार हैं और निहायत ईमानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आम जनता में इसकी चर्चा है, यही वजह है कि योगी 2 सरकार आई है। तो क्या पत्रकार ईमानदार नहीं है? इस पे जांच होनी चाहिए और बलिया के उस भाई को जल्द से जल्द रिहा करनी चाहिए, यही मेरी सरकार से अपील है। पत्रकार का इंटेंशन हमेशा होता है कि वो लोगों की जनहित की बात करे, तो ऐसे में जो पत्रकार प्रशासन को वो कॉपी शेयर कर रहे हैं, और ऐसा नियम भी है, कानून भी है कि परीक्षा जो अधिनियम है उसके तहत जो सीनियर के अधिकारी हैं उनको शेयर किया जा सकता है ताकि उस पर एक्शन लिया जाए, लेकिन पत्रकार के ऊपर ही एक्शन ले लिया गया, तो ये तो बहुत गलत हुआ ना। जैसे इसको कहा जाता है कि हम 4 स्तंभ 1 स्तंभ 3 पिलर बनाए, जो चौथे हमको बना दिया गया। पत्रकार का काम है कि आईना दिखाना, वो भी बलिया के पत्रकार मनोज झा को भी जेल भेज दिया गया और विजय सिंह को भी, अमर उजाला के पत्रकार थे उनको भी जेल भेज दिया गया। तो एक स्तंभ को इनको सरकार द्वारा दबाया जा रहा है, कहीं ना कहीं सुरक्षा की जो बात कही जा रही है आज तक तो सुरक्षा दिया नहीं गया, पत्रकार के ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है, लगातार हो रहा है, हत्याएँ भी हो रही हैं, बहुत सारे पत्रकार आज भी मार भी दिए गए हैं। लेकिन सरकार के जो भी रवैया इस समय दिख रही है, हमको ऐसा नहीं लग रहा है किसी पत्रकार की सुरक्षा की बात किया जाए या उनके खबर चला दिया जाए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, खबर चलाने के बाद भी उन करवाई और जेल भेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है सरकार पे कि भाई ये जो पत्रकार है उनके कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं कोई सुरक्षा है। तो लगातार देखें कि इस तरह से यहाँ पर पत्रकारों द्वारा यहाँ पर आकर ज्ञापन सौंपा गया है, लगातार जो पत्रकारों के ऊपर अन्याय किया जा रहा है, चाहे प्रशासनिक तौर पर देखा जाए या अन्य लोगों की तरफ से देखा जाए, तो उस पर एक्शन लेने के लिए यहाँ पर डीएम के पास आया गया ताकि वो हमारी मदद कर सके। तो ऐसे में और सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, आपने ज्ञापन दिया है तो क्या लगता है कुछ आश्वासन आपको मिला है? मैं अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति कुशीनगर का जिलाध्यक्ष हूँ और हमारा संगठन पूरे प्रदेश में और इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी जोर शोर से उठा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिग्नेश कलवाड़िया जी और प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रताप नारायण सिंह जी के नेतृत्व में अभी बलिया के मामले को लेकर के पूरे प्रदेश में काफ़ी मजबूती से आंदोलन किया जा रहा है कि पत्रकारों को रिहा कराया जाए। इतना ही नहीं, हम लोग
पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पूरे देश भर में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं, और इसको लेकर के हम लोग आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे और न्याय की मांग करते रहेंगे, पत्रकारों के हित और सम्मान की हमेशा बात करते रहेंगे। तो लगातार कलम के ऊपर धारदार हथियार चलते रहते हैं, लेकिन कलम हमेशा मजबूती के साथ खड़ा रहता है और सवार्ड का काम करता है। तो और भी हमारे साथ जो पत्रकार भाई साहब हैं, आप लोग जब जर्नलिज्म के लिए खबर को कलेक्ट करने जाते हैं तो आपको किस तरीके के चैलेंजेस मिलते हैं, क्या आप सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को? नहीं, जब संभवतः हम लोग देखते हैं कि जब भी खबर बनाने जाते हैं तो तरह तरह की घटनाएं हमारे सामने आती घटती है, विपक्षी भी हमको धमकी देता है कि खबर चलाएंगे तो ये होगा वो होगा, दस तरह की बातें आती है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा पत्रकारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाया गया है, कोई सुरक्षा के लिए कोई उनका व्यवस्था नहीं है, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर लगत जो तीन स्तंभ हैं उनको सुरक्षाएं तो प्रदान की गई हैं, उनके पीछे पुलिस से लेकर प्रशासन भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन पत्रकारों के साथ इस तरीके से कुछ सुविधाएं होते हुए नहीं दिखती हैं। जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो चाहे नेशनल लेवल पे एक लुटियन जोन में बैठते हैं, उनको तो मिल जाती है, लेकिन ग्रामीण पत्रकार जो सच्चाई के साथ हमेशा खड़े रहते हैं उनको मदद होते हुए नहीं दिखती है, उनके ऊपर बल्कि FIR कर दिया जाता है। देखिए, मैं ABPSS का कस्या तहसील का महामंत्री हूं, और मैं चूँकि हमारा संगठन जो है लगातार पत्रकार हितों की लड़ाई लड़ रहा है, और मैं अपने संगठन के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो है प्रशासन ने जो है अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को जो है छुपाने का ये कार्य किया है, अगर शीघ्र जो है हमारे पत्रकार भाई की रिहाई नहीं होती है तो हम लोग और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और इसमें पीछे नहीं हटेंगे। तो देखिए कितना आश्चर्य वाली बात है कि सरकार ज्ञापन सौंपती है, ज्ञापन देती है जिसमें ये बातें कही जाती है कि परीक्षा में नकल रोकने के लिए जो मदद करेगा प्रशासन की उनको हम तरजीह दे देंगे, उसके बावजूद जो कानून है उसके हिसाब से सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1990 का कानून ये कहता है कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरीके का पेपर लीक नहीं होना चाहिए किसी के माध्यम से, लेकिन अगर सीनियर अधिकारी चाहे DM की बात कही जाए या SDM की बात कही जाए या फिर जिला विद्यालय निरीक्षक को वो कॉपी शेयर की जाए कि ये नकल रोकने के उद्देश्य से, तो वो गैरकानूनी नहीं माना जाएगा, वो कानूनी माना जाएगा और उनको संरक्षण दिया जाएगा। उसके बावजूद जो बलिया के पत्रकार रहे हैं उनके ऊपर इस तरीके से अंकुश लगाया गया, उन्हें जेल भेजा गया और लगातार प्रशासन उनको अंकुश लगाने का कोशिश कर रही है। तो खुद सोचे कि कलम के धार को रोकने के लिए किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन कार्य कर रही है, जिसको रोकने की सख्त जरूरत है ताकि आपके सामने सच्चाई मुखर रूप से सामने आए, ऐसे किसी भी पत्रकार को डर का माहौल नहीं कायम किया जाए जिससे सच्चाई का बाधा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।